हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, बीटीपी के द्वारा एक अभी ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, विषय की बात करें तो परिषद द्वारा आयोजित आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा बैक पेपर सप्लीमेंट्री यानी कि विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2023 में सम्मिलित होने वाले पात्र छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भराए जाने की अंतिम तिथि निर्धारित किए जाने के विषय में, यानी कि आपको मालूम होगा कि 31 मई 2023 तक आप सभी छात्रों के लिए पोर्टल ओपन किया गया था। जितने भी बैक पेपर या फिर जितने भी फॉर्म भरने थे एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए, सारी चीज़ें वहाँ पे फॉर्म भरने की जो लास्ट तिथि थी 31 तारीख तक थी, उसके बाद से डेट खत्म हो गई थी और फिर से इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस भी कन्फ्यूजन में पड़ गए होंगे कि हो सकता है फिर से कहीं डेट एग्जाम की बढ़ जाए, इसलिए कि जब फिर से फॉर्म भरने के लिए डेट दिया जा रहा है तो कुछ डेट मिला होगा। तो डेट कौन सी है और क्या आपके एग्जाम की जो डेट है फिर से बढ़ने वाली है या फिर नहीं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको केवल मेन पॉइंट्स बताऊंगा। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि 31 तारीख तक डेट दी गई थी, इसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि कई सारे कॉलेज वाले होते हैं या फिर स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए कि ये सारे काम आपके कॉलेज वाले से ही होता है तो कई कॉलेज वाले लापरवाही कर देते हैं, समय से फॉर्म नहीं भरते हैं, तो फिर से डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। अब देखिए, डेट कब से कब तक एक्सटेंड हुआ, यहाँ देखिए, उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि छात्र हित के दृष्टिगत छूटे हुए छात्र छात्राओं को अंतिम अवसर देते हुए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भराए जाने हेतु लिंक अंतिम रूप से दिनांक 14 जून 2023 यानी कि कल से लेकर के 16 जून 2023 तक खोला जा रहा है। यानी कि फिर से जितने बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म, बैक पेपर फॉर्म, इसलिए कि अब आपकी स्क्रूटनी और रिवीजन का रिजल्ट भी आ गया है, तो सारे फॉर्म आप जितने अगर बैक आपकी लगी है अभी तक भी और आपने फॉर्म नहीं भरा था या फिर पैसा वगैरह नहीं जमा किया था, तो सारे कार्य पूर्ण हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे दी गई है, देखिए यहाँ पे, साथ ही यहाँ यह भी अवगत कराना है कि परिषद द्वारा विषम सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2022 के पुनर्मूल्यांकन यानी कि रिवोल्यूशन और स्क्रूटनी का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। घोषित परिणाम में उत्तीर्ण विषयों को सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा बैक पेपर सप्लीमेंट्री विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2023 के परीक्षा फॉर्म से हटा दिया गया है। यानी कि जितने भी बच्चों ने एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ साथ जो बैक पेपर का फॉर्म भरा था और उनका स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का जो रिजल्ट है वो जारी हो गया है, तो उसके बाद से आपको कोई एग्जाम वगैरह उसका नहीं देना है। मतलब कि आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से बोर्ड से सारी चीज़ें हटा दी गई है। अगर आपने बैक पेपर का फॉर्म, इसलिए जाहिर सी बात है आपने जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा तो उसमें बैक पेपर भी मेंशन हो के आ रहा था कि आपके दो सब्जेक्ट में बैक है, उसके साथ आपका 200 रुपया भी जो भी पैसा लग रहा होगा वो भी लग रहा था। तो जो आपने बैक पेपर का भी फॉर्म भरा होगा, अगर आपका रीचेक के रिजल्ट में अगर आपका बैक क्लियर हो गया होगा तब आपको कोई पेपर देना नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो इश्यू को लेकर के ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और मेन जो चीज़ है, 14 से लेकर के 16 तारीख तक फिर से आपका पोर्टल ओपन किया गया है। तो जितने भी छात्र जिनकी बैक वगैरह लगी थी या फिर स्पेशल बैक कैटेगरी के स्टूडेंट थे, कॉलेज में संपर्क नहीं किए थे, वो कॉलेज में जरूर संपर्क कर ले, अपना जो भी उनका फीस लगेगा वो फीस दे देंगे बैक के लिए। उसके बावजूद और भी जो कार्य होंगे, इसलिए कि कई कॉलेज में अप्लीकेशन भी लिखवाया जाता है, हालांकि सब जगह नहीं, इसलिए कि जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं या फिर जो भी फॉर्म कर लीजिए वो आपके कॉलेज से ही, आपके इंस्टीट्यूट लॉगिन से ही भरा जा रहा है। लेकिन अगर आपका पैसा जो लगता है वो आपका पैसा देना पड़ता है, अगर पैसा नहीं देंगे तो कॉलेज वाले आपका फॉर्म नहीं भरेंगे, इसलिए कॉलेज वाले अपने पास से पैसा लगा करके नहीं भरेंगे। तो जो तिथि है 16 जून 2023 तक है। अब रही बात एग्जाम की डेट की, क्या एग्जाम की डेट बढ़ेगी या फिर नहीं, तो अभी तक जो ऑफिशियल एक तरीके से कह सकते हैं जो डेट है अनाउंसमेंट के जो जावेद सर ने दिया है, तो 28 तारीख ही है, बीच में 29 तारीख को त्यौहार है, तो हो सकता है 29 को गैप रहे या फिर 30 को भी गैप रहे, या फिर हो सकता है पहला एग्जाम 28 को हो और दूसरा 30 को हो, इस तरीके से हो सकता है एक किसी ईयर को, या फिर हो सकता है पहले फर्स्ट ईयर या फिर फाइनल ईयर का हो, सेकेंड ईयर के बच्चों का जुलाई में हो, या फिर ये हो सकता है कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर का पहले हो, फर्स्ट ईयर का जुलाई में हो, इस तरीके से कोई डेट एक जो साल के, मतलब कि फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर में एक कोई ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट ईयर के होंगे या फिर सेकेंड ईयर के या फिर फाइनल ईयर के, उनको थोड़ा सा मौका मिलेगा, उनकी डेट एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन सभी की एक्सटेंड होने की अभी उम्मीद कम है। अब देखिए, बहरहाल आज रात को या फिर कल नोटिस फिर से जारी हो जाएगा, ऑफिशियल टाइम टेबल शेड्यूल आपका जारी हो जाएगा कि हाँ कब से कंफर्म हो जाएगा कब से आपके एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन अभी तक की जो डेट है वो 28 तारीख ही है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और एक और चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके नए सचिव हैं राकेश वर्मा जी हैं, इसलिए कि पहले सुनील कुमार सोनकर जी थे, फिर आपके FIR खान जी थे, और अब जो आपके सचिव हैं राकेश वर्मा जी हैं, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिग्नेचर, और 13/6/2023 यानी कि आज की और अभी की ये ऑफिशियल नोटिस है। तो जो भी बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म यानी कि कह लीजिए कि बैक पेपर का फॉर्म नहीं भरे हैं और उनका अगर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है तो बैक पेपर का फॉर्म भर देंगे, और जिनका क्लियर हो गया है उनको बैक पेपर का, मतलब अब बैक पेपर का एग्जाम नहीं देना होगा, इसलिए उनका क्लियर हो गया तो आपके BTP की साइड से ऑटोमेटिकली वो रिमूव होता है, ऑटोमेटिकली वो हट जाता है।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। UFM का भी जो रिजल्ट, जिन बच्चों का नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा था, उनका भी रिजल्ट जारी हो गया है। मैंने लिंक टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है, जो बच्चे नहीं देखे हैं वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।